अब पता चल रहा है कि धोखा मिलने से क्या हाल होता है। आई वॉज चीटेड, मुझे भी धोखा मिला। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी बज रहा है 7:18 एंड मैं उठा 6:09 को। शकल से दिख रहा होगा बट तब से लेकर अभी तक मैं कर क्या रहा था, मैं एडिट कर रहा था कल की ब्लॉग को। बट एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ गया कि ये लोग मुझे छोड़कर जा कैसे सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आया ना। चलो फिर से बोलता हूँ, ये लोग मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं गोपालपुर, लेट मी शो यू कौन लोग। पूरा प्री प्लान। तो बात यूं है कि एक रात पहले डिसाइड किया गया था कि जाना है गोपालपुर, एक गाड़ी, तीन सवारी और चार लोग। एक को तो रहना ही था, पहला जो गाड़ी चलाएगा वो जाएगा, और गाड़ी चलाने वाला मैं नहीं था, अमिया सर थे। दूसरा अर्जुन जी, अब उनका गाड़ी है तो उनको जाना भी कंपलसरी था। बचा तीसरा सवारी के लिए दो लोग, मैं और मेरा भाई। लकीली ही वर्क अप एट 5:30 एंड ही गॉट चांस टू बी देयर। हमारे साथ जो होता है वो जिंदगी होती है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था मम्मी इतनी जल्दी चली जाएगी, अबू का घर और दुनियादारी से मन उठ जाएगा, जिससे शादी होगी वो इतना बुरा इंसान होगा। पर के करे, आगे तो बढ़ना है ना। बट के करे, आगे तो बढ़ना है ना। मुंह धोता हूँ फिर दिन की शुरुआत करता हूँ। भाई की छाड़ी बड़ा हंसना ना इंसाफी छोटा नौ उठला पोरे लले भाई को पूरा ने धाई थियो बोधे हो तो बोला गया अमरावती तो सही इसे बोला जाता जल्दी उठना चाहिए। तो बात ये कि गोपालपुर से आने के बाद नहा धो के पंचायत बैठी मार्बल सिनेमैटिक यूनिवर्स का। अब मैं जा रहा हूँ दाढ़ी काटने के लिए, फिर आने के बाद अमे सर को छोड़ना है स्टेशन पे। फिर यही है आज की कहानी। मिलता हूँ मैं कल आपको। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।